साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खेती करने की कुछ एडवांस मशीन्स के बारे में, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कैबेज हार्वेस्टर। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोलिंग ब्लेड्स लगी होती है, जो कि पत्ता गोभी को काट कर अंदर की तरफ भेजती जाती है। आगे कन्वेयर बेल्ट पर और भी कई प्रकार की मशीनें लगी होती है, जिनके द्वारा ऑटोमेटिकली इन पत्ता गोभियों के वेस्ट पत्ते उतार दिए जाते हैं। आगे इन पत्ता गोभियों को एक वर्कर द्वारा मैन्युअली भी चेक किया जाता है, ताकि हर एक गोभी को अच्छी तरह से क्लीन किया जा सके। फिर लास्ट में इन गोभियों को पास ही चल रहे एक ट्रक के कंटेनर में लोड कर दिया जाता है। यह है मोटी। ये पंपकिन सीड्स हार्वेस्टिंग मशीन है, जो कि काफ़ी स्मार्ट तरीके से पंपकिन के सीड्स को सेपरेट करने का काम करती है। इसमें एक कांटेदार रोलर लगा होता है, जो कि जमीन पर पड़े पंपकिन्स को उठाकर उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए भेजता है। इस रोलर में बहुत सारे स्क्रू लगे होते हैं, जो कि पंपकिन्स में घुस जाते हैं। फिर इन सबके बाद फाइनली शुरू होता है पंपकिन्स को क्रश करने का काम। यहाँ एक क्रशर लगा होता है, जो कि पंपकिन्स को उनके सीड से सेपरेट करता जाता है और पंपकिन के बचे हुए वेस्ट को पीछे ज़मीन पर बिखेरता जाता है। जब पंपकिन के सीड से टैंक फुल हो जाता है, तो इसे एक बड़े कंटेनर में लोड कर दिया जाता है। यह है टोमेटो हार्वेस्टर। इस मशीन को चलाया जाता है टोमेटो के फील्ड्स में, जहां यह मशीन टमाटर के पूरे पौधे को ही काटकर एक कन्वेयर के थ्रू अपने अंदर लेती जाती है। यहां अंदर लगी कुछ एडवांस मशीन्स के जरिए टमाटर को उनके पौधों से अलग कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये मशीन टमाटरों को पौधों से अलग करती जा रही है। टमाटरों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इन्हें साइड में चल रहे ट्रक के कंटेनर में लोड करती जाती है। ये मशीन इतनी फास्ट है कि ये कुछ ही घंटों में कई टन टोमेटो हार्वेस्ट कर सकती है। यह है ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मर्जर है, जो कि बड़े बड़े घास के मैदानों को क्लीन करने का काम करती है। जब भारी मात्रा में लैंड क्लियरिंग करनी होती है, तो इस एडवांस मशीन को चलाया जाता है। इसमें आगे की तरफ तीन बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती है, जिनकी विड्थ 39 फीट है। ये ब्लेड्स कुछ ही मिनट्स में कई एकड़ ज़मीन को साफ कर सकती है। ये मशीन घास को काफ़ी तेज़ी से काटते हुए उन्हें एक कॉर्नर में इकट्ठा करती जाती है, जिस वजह से इसे बाद में हटाना भी काफ़ी आसान होता है। यह है राइस हार्वेस्टिंग। ये मशीन छोटे किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके खेत काफ़ी छोटे होते हैं। जो किसान बड़ी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये मशीन काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है। इसमें सिर्फ एक मोटर लगी होती है, जो कि अपनी पावर को एक वायर के जरिए इसके हैंडल में ट्रांसमिट करती है, जिससे कि इसका कटर वर्क करता है। इसे चलाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह है डीवल्फ GBC। ये एक हाईटेक कैरेट हार्वेस्टिंग मशीन है, जो कि काफ़ी स्मार्ट तरीके से कैरेट्स को ज़मीन से बाहर निकालने का काम करती है। ये मशीन डायरेक्टली कैरेट्स को ज़मीन से बाहर निकालती जाती है, और इसमें आगे की तरफ एक कटर लगा होता है, जहां इन कैरेट्स के पत्तों को इनसे अलग कर दिया जाता है। फिर इन कैरेट्स को कन्वेयर के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां इन्हें एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। और जब ये कंटेनर फुल हो जाता है, तो इन्हें छोटे छोटे फिक्स साइज के अलग अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ से इन्हें डायरेक्टली मार्केट में भेज दिया जाता है। यह है ग्रेप हार्वेस्टर। इस एडवांस मशीन को बनाया गया है ग्रेप हार्वेस्टिंग के लिए। इस मशीन का मैकेनिज्म इसके सेंटर में लगा होता है। इस मशीन को ग्रेप के पौधों के ठीक ऊपर से चलाया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये मशीन ग्रेप हार्वेस्टिंग का काम करती है, वो भी इसके पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए। ग्रेप हार्वेस्टिंग के दौरान ग्रेप के साथ साथ कुछ पत्तियां भी आ जाती है, जिन्हें ये मशीन क्लीन करके ग्रेप को एक कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है, और कंटेनर के फुल होने के बाद इन्हें किसी अन्य टैंक में अनलोड कर दिया जाता है। यह है वाल्ट्रा बेस लायर। ये काफ़ी एडवांस मशीन है, जो कि ज़मीन को किटकैट चॉकलेट की बार के जैसा शेप देने के लिए जानी जाती है। ट्रैक्टर से अटैच इस मशीन को जब मिट्टी में चलाया जाता है, तो इसके पीछे लगे रोलर इसे इस तरह की शेप देते जाते हैं। इस तरह से तैयार की हुई स्ट्रक्चर पर मटर, गाजर और मूली जैसी स्पेशल फसलों की खेती की जाती है। यह है फोरेज हार्वेस्टर। ये मशीन मवेशियों के लिए चारा काटने में इस्तेमाल की जाती है। ये मशीन काफ़ी तेज़ी से चारा काटने का काम करती है। इस मशीन में आगे की तरफ चार राउंड ब्लेड्स लगी होती है, जिनकी मदद से ये चारे को काटती है। चारा काटने के बाद ये मशीन इसे हाथों हाथ चॉप भी करते जाती है, यानी कि ये इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करती जाती है।
और इन्हें पास ही चल रहे कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है। इस तरह से चॉप किए हुए चारे को सुखाकर काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। यह है टॉपिंग टुलिप्स। टुलिप्स के फूल तो आपने देखे ही होंगे, जिसमें आगे की तरफ एक बल्ब होता है। इस तरह के फूलों के पौधों को जब पहली बार फूल आते हैं तो इनके फूलों को ऊपर से इस मशीन के जरिए तोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इन फूलों को तोड़ा जाता है तो नेक्स्ट टाइम आने वाले टुलिप्स के फूलों की एनर्जी और बढ़ जाती है और इनके बल्ब और भी मजबूत होते हैं, जिस वजह से इन्हें देश विदेशों में भेजने के बावजूद भी इनके फूल लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।